नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बताने वाले हैं, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत सभी लोगों के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हर महीने आपके खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं कि इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से इसके लिए पात्रता होने वाली है और क्या क्या दस्तावेज इसमें लगेंगे और आपको इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। तो साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की कोई भी अपडेट पाने के लिए। और यदि आपको योजना पसंद आया और जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की अपडेट कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसको सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बने रहेगा वीडियो मेरे साथ लास्ट तक यदि आप इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं और इस योजना का भी लाभ उठाना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिससे आपको मंथली पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके लिए आपको दोगुने यानी 10,000 रुपये मिलेंगे। बता दें, ये पैसे हर महीने आपके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इस योजना का जो नाम है साथियों, वो है अटल पेंशन स्कीम। इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है। इसमें आपको हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के तहत पति पत्नी दोनों कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकता है। आइए आपको केंद्र सरकार की जबरदस्त पेंशन स्कीम के बारे में बताते हैं। कोई भी इसका लाभ ले सकता है। अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की एक लोकप्रिय स्कीम है जिसमें नागरिकों को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की राशि हर महीने दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो उनको 10,000 रुपये का फायदा मिलेगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है कि पति पत्नी दोनों इस योजना के तहत 5,000 की पेंशन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, ये अटल पेंशन स्कीम जो है ये, इसमें आपको 5,000 रुपये तक मंथली मिलेगा। आगे इसमें बात करते हैं क्या क्या पात्रता होने वाली है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। और इसमें गाइस आपको बता दें, इस स्कीम में नागरिकों को हर महीने कुछ प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। अगर आवेदक की उम्र यानी आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होगा। वहीं अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो 626 रुपये देने होंगे। और 6 महीने में भी देना चाहते हैं तो आप 1239 रुपये जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि साल में आप जमा करना चाहते हैं हर महीने 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 5,000 रुपये ना पेंशन मिले, यदि आप चाहते हैं आपको केवल हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिले और 18 साल की उम्र में सिर्फ आपको 42 रुपये महीने में जमा करने होंगे। तो यदि यहाँ पे आप 5,000 रुपये प्रति महीने लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 18 साल उम्र है तो आपको यहाँ पे मंथली भी जमा कर सकते हैं। मंथली आपको 210 रुपये जमा करना होता है और आप 3 महीने पे भी जमा कर सकते हैं और 6 महीने पे भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और यहाँ पे आप साल में भी जमा कर सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही, इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? अगर आप किसी कारण से नागरिक की मृत्यु हो जाती है, 60 की उम्र की आयु से पहले हो जाती है यदि आपकी मृत्यु, तो इस अटल पेंशन योजना का पैसा नागरिक की वाइफ को दिया जाएगा। अगर किसी कारण हस्बैंड और वाइफ दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन का योजना नामांकित नागरिक को दिया जाएगा, यानी कि जो आपने नॉमिनी डाला होगा, जिसको भी डाला होगा उसे दिया जाएगा। यहाँ पे 60 साल की उम्र से पहले यदि हो जाती है तो ये योजना बहुत ही अच्छी लाभकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुढ़ापा जैसे जैसे होता जाता है तो उनको क्या है कि इनकम उनके पास, उनके धीरे धीरे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बचता है। और कभी कभी होता है कि बेटा बेटी अलग कर देते हैं उनको, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए यदि आपकी उम्र है और आप अच्छे से इनकम करते हैं तो आप इसमें जमा कर सकते हैं इस पेंशन स्कीम के तहत। तो इसमें आपको जब आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको पेंशन यहाँ पर दिया जाता है। और इसमें बता देते हैं कब तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो जो इसकी निवेश करने की उम्र है वो 42 साल इसमें रखी गई है। इसमें आप मंथली, तिमाही और छमाही निवेश कर सकते हैं। ये योजना बहुत ही अच्छी इसलिए है क्योंकि आप इसमें जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं। आप मंथली भी कर सकते हैं, 3 महीने पे भी यदि आप इसमें जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं, छमाही भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। और इसमें आपको 42 साल तक की उम्र तक निवेश करना होगा, केवल आपको 42 साल की उम्र तक निवेश करना है। उसके बाद 42 साल में आपका कुल निवेश यानी कि जो आप 18 साल से 42 साल तक निवेश करेंगे तो उसमें आपका जो पैसा लगने वाला है वो टोटल आपका 1,04,000 रुपये लगेगा। और 60 साल के बाद आपको मंथली यानी 60 साल के बाद सरकार आपको 5,000 महीने पेंशन देगी। इनकम टैक्स के सेंशन 80CCD के तहत इसमें टैक्स का भी छूट दिया जाता है आपको। यदि आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको टैक्स की भी छूट आपको मिलेगी।
सो ये योजना बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो अभी कोई आप बाहर कमाते हैं या आप श्रमिक मजदूर हैं तभी ये आपका, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आपको जमा करने हैं। आपको 216 रुपये मंथली जमा करनी है और 3 महीने पे भी आप जमा कर सकते हैं 626 रुपये, और आपको 60 साल के बाद आपको अच्छी खासी यहाँ पे इनकम सरकार आपको दे रही है 5,000 मंथली, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस योजना में करते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको मिलेगी। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, और इसमें आगे आपको बताते हैं कि आप खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, खाता कैसे इसमें खुल सकता है। तो आपको आगे बताते हैं, आप एक सदस्य के नाम से एक ही अकाउंट खुल सकता है, यानी कि आप एक ही अकाउंट पे पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं और एक ही स्कीम यहाँ पे आप ले सकते हैं, यानी कि आप एक ले सकते हैं और अपने परिवार के किसी और का करवाना चाहते हैं तो उसमें दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा। और आपको बता दें, यदि एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप बैंक के जरिए इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं, बैंक में आपका खाता ये खुल जाएगा बिल्कुल आसानी से, आप इस स्कीम के तहत जाके खुलवा सकते हैं। शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाएगी, यानी कि शुरू में यदि आप जमा करते हो जितना जमा करते हो उतना सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करेगी। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। सो गाइस, इसमें यदि आप भरना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं इसमें और भी वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी यदि पसंद आई हो तो इसी प्रकार की जानकारी और भी योजनाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।